अबाउट कि रेफरी रेड कॉर्नर में है डेनियला डिसूजा गोवा की और उनका मुकाबला मध्य प्रदेश की खुशी सिंह से होगा जो ब्लू कॉर्नर में है। मेजबान प्रदेश की खिलाड़ी खुशी सिंह ब्लू कॉर्नर आते से ही इस प्रकार शुरुआत कर रही है। ऐसा लगता है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो पिछली जीत उनके साथियों को मिली है उसका प्रभाव उनके खेल पर नजर आ रहा है। यहीं पर प्रैक्टिस करती हैं इसी हॉल में खुशी सिंह। प्रदेश भी बॉक्सिंग में एक जाना माना नाम बन चुका है जब से मध्य प्रदेश में ये बॉक्सिंग एकेडमी स्टार्ट हुई है। मध्य प्रदेश शासन ने इस बॉक्सिंग एकेडमी को स्टार्ट किया है जिसमें गर्ल्स और बॉयज के लिए एकेडमी है और बहुत अच्छे परिणाम पिछले वर्षों से मध्य प्रदेश ने दिए हैं बॉक्सिंग के खेल में। और ये देखिए आप खुशी सिंह राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देख देख कर अपने पंचेस डिसूजा के चेहरे पर लगाती हुई। ये रहा एक और राइट हैंड का पंच चेहरे पर लगा, यहाँ काउंटर किया थोड़ा सा डेनियला डिसूजा ने। स्थानीय समर्थन, खिलाड़ियों का समर्थन, साथियों का समर्थन इस समय जितने भी मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो यदि चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी यहाँ उपस्थित हैं और चैंपियनशिप में नहीं भी खेल रहे हैं तो यहाँ इस नेशनल चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने में अपना सपोर्ट दे रहे हैं और अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रिंग में रिंग के बाहर जो बैठने का स्थान है वहाँ पर बैठ कर अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पहला राउंड खुशी सिंह राइट हैंड का पंच चेहरे पर डेनियला के। पहला राउंड दबाव बनाती है खुशी सिंह। वन टू के अटैक ओपन गार्ड टेक्निक के साथ खेलती है खुशी सिंह। शायद अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा भरोसा उन्हें कि वे विपक्षी के जो पंचेस हैं उनसे अपने आप को बचा लेंगी। डेनियला वन टू कॉम्बिनेशन की कोशिश। पहला राउंड बराबरी के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। बहुत बढ़िया राइट हैंड पंच चेहरे पर खुशी के, लेकिन खुशी ने वहां काउंटर अटैक किया और दो तीन पंचेस सही जगह पर लैंड कराए उन्होंने डेनियला डिसूजा के। आक्रामक होती हुई रिंग में गोल गोल घूम रही है डेनियला डिसूजा। बराबर प्रत्याक्रमण करती हुई डेनियला। पहला राउंड पूरा हुआ। कोच रोशनलाल जो मध्य प्रदेश टीम के कोच भी हैं भारतीय टीम के कोच भी रहे हैं विभिन्न चैंपियनशिप में और उनके तराशे हुए स्टूडेंट इस समय इंटरनेशनल लेवल पर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ये कुछ वो पल जिसमें पहले राउंड के मुकाबले के अंतर्गत दोनों खिलाड़ियों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था। खुशी बराबर से अटैक करती हुई और बीच बीच में डेनियला ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। कुछ पंचेस हवा में रह गए डेनियला के। जो है मध्य प्रदेश टीम के कोच रोशनलाल अंतर्राष्ट्रीय NIS कोच मध्य प्रदेश की बॉक्सिंग एकेडमी के। बताते हुए कि आपको कैसे खेलना है किस तरह से विपक्षी और प्रहार करने हैं। और अब दूसरे राउंड की शुरुआत। तेज बाउट इस रिंग नंबर एक में होगी या 18वीं बाउट चल रही है। दूसरा राउंड है लाइट वेट कैटेगरी का। डेनियला डिसूजा रेड कॉर्नर गोवा वर्सेस खुशी सिंह मध्य प्रदेश ब्लू कॉर्नर। सेकंड राउंड है जोश के साथ उत्साह के साथ दोनों
बॉक्सर्स रिंग में। बहुत अच्छी कोशिश डेनियला की, पहले तो थोड़ा सा पुश करके दूर किया खुशी है सिंह को अपनी बॉडी से, उसके बाद अटैक किया था लेकिन अपना गार्ड मजबूती के साथ थामे रखा था खुशी सिंह ने, इसलिए ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ उन्हें। और अब काउंटर पंचेस बिल्कुल रिंग के कोने में खुशी सिंह के द्वारा, जैसे ही मौका मिला अपने पंचेस छोड़ दिए डेनियला के ऊपर। चेहरा ऊपर उठाकर खेले हैं ये संकेत रेफरी पायल का। बहुत बढ़िया राइट हैंड पंच बिल्कुल चेहरे पर डेनियला डिसूजा के। खुशी सिंह आक्रामक होती हुई बैलेंस लूज किया, जो हेड गियर है उसे सही तरह से बांधने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, थोड़ा सा लूज हो गया है। टीम के कोच रोशन लाल मध्य प्रदेश के, और अब दूसरे राउंड के लिए दोनों खिलाड़ी फिर से रिंग में। डेनियला डिसूजा कुछ अतिरिक्त जोश के साथ, अच्छा गार्ड उन्होंने रखा है, और बराबर काउंटर अटैक कर रही है डेनियला, और खेल को कुछ देर के लिए रोका क्योंकि काउंटिंग हो रही है डेनियला के लिए। इस प्रकार वे अटैक के लिए चली गई थी लेकिन रेफरी का मानना था कि ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, जिस कारण उन्होंने रोका खेल को, और साथ ही साथ हेड गियर को सही तरह से लगाने के लिए निर्देशित कर रही है वह मध्य प्रदेश टीम की कोच को। और अच्छा गार्ड रखकर खेलती हुई डेनियला डिसूजा, यहाँ एक हल्के से हुक की कोशिश, पंच बिल्कुल चेहरे पर लगा है और यहाँ काउंटिंग होगी। खुशी सिंह कोई भी मौका नहीं चूकती है, स्थानीय समर्थकों के साथ खेल रही है, और ये दूसरा राउंड पूरा हुआ, दूसरे राउंड के थोड़ी देर पहले ये काउंटिंग और कराई खुशी ने, और मानसिक रूप से दबाव बढ़ा दिया है डेनियला डिसूजा के ऊपर। राउंड जिसमें डेनियला ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाने का प्रयास किया था, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खुशी सिंह ने कुछ अच्छे पंचेस लगाए, खिलाड़ियों ने कुछ काउंटर अटैक किए थे, लेकिन यहाँ खुशी के देखें आप, तीन पंच लगातार एक के बाद एक चेहरे पर लगे, और जैसे ही पंचेस लग रहे थे तो रेफरी ने खेल को रोका, फिर से एक और सटीक पंच जो दूसरे राउंड के समाप्ति के चंद सेकंड पहले चेहरे पर लैंड हुआ था डेनियला डिसूजा के, उसने उन्हें हिला कर रख दिया था, लेकिन अभी भी एक राउंड और बाकी है। क्या इस राउंड में डेनियला कुछ वापसी करेंगी, क्योंकि अभी तक का खेल खुशी सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कुछ पांच जजेस के ऊपर निर्भर करेगा कि वे कितने प्रभावित हैं और किस खिलाड़ी के खेल से प्रभावित हैं। ब्लू कॉर्नर में मध्य प्रदेश की खुशी सिंह, डेनियला डिसूजा रेड कॉर्नर गोवा से। बहुत बढ़िया राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन,
सा समय को भी व्यतीत किया खुशी ने, अटैक के बजाय थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर रही ताकि डेनियला को भी आमंत्रित कर सके और ओपनिंग ढूंढ सके, क्योंकि जानती है कि अब डेनियला अटैक पर आएंगी। अतिरिक्त प्रयास डेनियला डिसूजा के द्वारा, अपने आप को बचाया बहुत अच्छी तरह से, डक किया खुशी सिंह ने, और यहाँ काउंटर पंच और शायद मुकाबले को रोक दिया जाएगा। काउंटिंग एक के बाद एक, दो तीन पंच खुशी सिंह ने लगा दिए थे। तीसरा और अंतिम राउंड, काउंटिंग एक बार करा चुकी है खुशी सिंह और फिर से अटैक करती हुई। राइट हैंड का पंच खुशी सिंह का, अच्छा प्रदर्शन खुशी का। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, उनकी शक्ति आप देख सकते हैं, उनकी फिटनेस आप देख सकते हैं, इस प्रकार पूरी फिटनेस के साथ वे खेल रही हैं। आक्रमण, तीसरा और अंतिम राउंड, चंद सेकंड बाकी बचे हैं। खुशी खुशियां देती हुई उनके समर्थकों को, जो निरंतर उत्साहित कर रहे हैं खुशी सिंह को। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सही जगह पर लैंड नहीं हो पाया, जाकर सही जगह पर फोर्थ, दो बराबर ताकतवर पंच खुशी सिंह के। डेनियला डिसूजा रिंग में थोड़ा थोड़ा पीछे कदम उनके जा रहे हैं, और ये तीसरा राउंड भी पूरा हुआ। खुशी सिंह मध्य प्रदेश वर्सेस डेनियला डिसूजा गोवा, ये लाइट वेट कैटेगरी का मुकाबला था, तीसरा मुकाबला लाइट वेट कैटेगरी का। आज तीन ही फर्स्ट राउंड के मुकाबले होने थे लाइट वेट कैटेगरी में, जिसमें पहला मुकाबला जीता था निकिता चंद ने जो उत्तराखंड से हैं, दूसरा मुकाबला जीता था भाव्याश्री ने आंध्र प्रदेश की इस खिलाड़ी बॉक्सर ने, और अब तीसरा मुकाबला जिसका निर्णय पांचों जजेस के निर्णय के साथ जो रिंग में रेफरी हैं उन्हें बताया जाएगा, और वे वहां से घोषणा करेंगे कि कौन बॉक्सर इस बाउट को जीता है। और छठी यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के दूसरे दौर में पहुंचा है लाइट वेट कैटेगरी से मध्य प्रदेश टीम के कोच रोशन लाल प्रसन्न हैं अपने खिलाड़ी के प्रदर्शन से, और वहां वुमेन टीम के कोच जिन्होंने तीन राउंड तक इस मुकाबले को खेला। खुशी सिंह मध्य प्रदेश को विजेता घोषित किया गया 5-0 के स्कोर के साथ, और लाइट वेट कैटेगरी से तीन खिलाड़ी जो पहले राउंड के आज के मुकाबले जीतकर दूसरे राउंड में पहुंचे हैं, उसमें निकिता चंद, भाग्यश्री और अब